राहुल गांधी मानहान मामले में आज होगी सुनवाई, तो क्या राहुल गांधी की सांसदी हो जाएगी बहाल या फिर सजा रहेगी बरकरार। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मामले में याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार राहुल गांधी की दोष सिद्ध और 2 साल जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर न्यायमूर्ति बी आर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा सुनवाई करेंगे। आपराधिक मानहान मामले के कारण केरल के वनाड से सांसद रहे कांग्रेस नेता को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। भाजपा विधायक और राहुल गांधी के खिलाफ मानहान मामले में शिकायतकर्ता प्रोडेश मोदी ने एक कैवियट दायर की थी, जिसमें अपना पक्ष रखने का मौका देने का अनुरोध किया गया है। कैवियट एक वादी द्वारा अपीलीय अदालत को प्रस्तुत किए गए नोटिस के रूप में कार्य करता है, जो किसी प्रतिद्वंदी की अपील के संबंध में कोई आदेश जारी होने की स्थिति में सुनवाई की इच्छा रखता है, जो निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती देता है। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जब उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। उन्होंने शीर्ष अदालत से मामले को शुक्रवार या अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था और अदालत ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। कांग्रेस नेता ने 15 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की पीठ ने कहा था कि उनकी सजा पर रोक लगाना एक अपवाद होगा, ना कि नियम। ज्ञात हो, मार्च में सूरत की सत्र अदालत ने सजा निलंबित करने की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। फैसले में कहा गया था कि उनकी अयोग्यता से उन्हें कोई अपरिवर्तनीय क्षति नहीं होगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर शीर्ष अदालत राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाती है तो यह उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने के लिए पर्याप्त होगा। कांग्रेस नेता को उस नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, जो दोषी सांसदों को लोकसभा सदस्यता रखने से रोकता है।